हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सर्च किया होगा कि सन यूवी प्रोटेक्शन रेस की जो फिल्म लगाते हैं कार को, सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज ये है जीप कंपास और दिस इज़ 6 मंथ्स ओल्ड कार है। ये मेरी ओन कार है और इसमें मैं आज यूवी सन रेस प्रोटेक्टेड, जो कि आरटीओ अप्रूव्ड फिल्म है, वो लगाने वाला हूँ। और मैं ये कहाँ पर लगा रहा हूँ और प्रोडक्ट क्या है, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। सो पहले मैं आपको बता दूँ ये प्लेस कहाँ पर है। सो दिस इज जश ऑटोमोटिव, ये हैदराबाद माधवपुर में है। सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू इंडियन पेट्रोल पम्प माधवपुर का। और इसके डिटेल्स ये जहाँ पर है, मैं इसके डिटेल्स लिंक में दे दूँगा, सो दैट आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे भैया हैं जो कि साइज कट कर रहे हैं पहले इस फिल्म की। तो भैया, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस काम में? सर, इसमें तो 15 इयर्स। वाह, 15 साल का एक्सपीरियंस है भैया को। सो पहले इस फिल्म को ऐसे लगाते हैं भैया और इसके ऊपर ये स्प्रे करते हैं। भैया, शैम्पू का पानी होता है? हाँ, बेबी शैम्पू, बेबी शैम्पू वाटर होता है, इसको स्प्रे करके और इसका भैया अभी कटिंग करेंगे। सो आप देखेंगे पहले भैया ने एक सेट लगाया है, ये अभी भैया दूसरा सेट लगा रहे हैं। सो बेसिकली दो सेट की कटिंग एक साथ हो जाती है फॉर बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द कार विंडोज। सो भैया अभी मेजर कर रहे हैं, साइज वगैरह ले रहे हैं इसका। सो आज इसमें जो फिल्म लगाएंगे, दिस विल कवर ऑल द साइड्स, फ्रंट, बैक और साइड के मिरर्स भी, और साथ में ये छोटा वाला मिरर भी कवर होगा। अब भैया इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये साइड विंडो की कटिंग हो रही है, भैया ने प्रॉपरली इसका साइज वगैरह लिया और एग्जैक्टली उसको कट कर रहे हैं। अहमद भैया, एक ग्लास, ये जो फिल्म होती है ये ऊपर से लगती है या अंदर से लगती है? अंदर 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 से लगती है, सिर्फ बाहर कटिंग होता है, आउटसाइड उतना शेप। अच्छा, बाहर सिर्फ कटिंग होती है, कटिंग करके फिर मैं अंदर लगा। अच्छा भैया, अहमद भैया कुछ बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भैया बताइए, आप कुछ बता रहे थे। लगता है 75 विजिबिलिटी रहता है और 30% लाइटली डार्क रहता है, 30% जो कि आरटीओ अप्रूव्ड है। अच्छा, तो जैसे अपन ये लगाते हैं ये वाली फिल्म, तो कोई अगर ट्रैफिक पुलिस भी अपन को रोकता है तो कुछ चालान वगैरह नहीं होगा। तो सो ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये जो फिल्म है जो अपन लगा रहे हैं, आर टी ओ अप्रूव्ड जो होता है, इट हैज़ टू बी 75 या 72% विजिबिलिटी होनी चाहिए। सो इस फिल्म में वो विजिबिलिटी है, अगर कोई आपको रोकता है, पूछता है, सो अपन उनको बता सकते हैं कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर नंबर जो 75 का विजिबिलिटी है वो इसमें है बोलकर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अहमद भैया कटिंग कर रहे हैं और हमारे साथ में स्टीव जुड़े हैं जो कि इस वर्कशॉप गैरेज के ओनर हैं। सो अपन को इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बताएंगे। सो स्टीव, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है और आरटीओ अप्रूव जो होता है वो सब चीज़ें। हाय सर, हाय एवरीवन, सो द प्रोडक्ट विच वी आर यूजिंग इज नेम्ड सुपर कूल एंड इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस एक्चुअली। सो दिस इज गॉट 75% विजिबिलिटी एंड as per the government norms, we need to have at least 70% visibility, and this comes with the 75%, and you will not have any problem with the RTO people outside there. And other than that,
this has got very good heat controlling capacity actually. So it maintains around 7 to 10 degrees lesser temperature in the inside actually. So you mean to say कि अभी जैसे गर्मी आएंगी तो बाहर टेम्परेचर जैसे 40-30 रहेगा तो 40 रहेगा तो ऑलमोस्ट 70 का. वाव दैट्स नाइस दैट्स नाइस ग्रेट. सो द क्वालिटी इज रियली गुड एक्चुअली. यू विल फील रियली यू विल फील द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट. ओके ओके दैट्स नाइस. सो व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोडक्ट यू मेंशन? इट इज कॉल्ड ब्रांड कॉल्ड सुपर कूल एक्चुअली. सुपर कूल सुपर कूल एंड वी हैव गॉट अ ब्लू टिंट एंड अ ग्रीन टिंट ऑन दिस. ओके सो बेसिकली देयर आर टू टिंट्स अवेलेबल. यस एंड जो अपन जो टिंट लगवा रहे हैं ये ग्रीन कलर का टिंट है इसमें. ओके एंड वन मोर थिंग इज लाइक दिस हैज गॉट 99% यूवी रिडक्शन एक्चुअली. सो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन आल्सो. ओह ओके एंड आल्सो हमने सुना है जैसे कि ये यूवी सन प्रोटेक्शन शीट लगाते हैं तो रात को जब चलाते हैं द रिफ्लेक्शन जो सन की लाइट से आता है उसके भी वी गेट सेफ्टी फ्रॉम दैट. या दैट्स कूल. So this has got 70, as it has got 75% visibility, even if it is applied on the front windshield also, mm-hmm. you will be able to drive it effortlessly in the night driving. So most of the light glare coming from the opposite direction, and that will be reduced a lot. Okay, and people say that this sheet should not be applied or fixed on the front shield. Is it myth or right? Yeah, it's just a myth actually. It will not cause any problem, that's for sure actually. Okay, alright. So if you go for any local material kind of thing actually, due to the sun heat, it shrinks off. That okay. causes hindrance in your visibility on usage actually. But okay. this is, if you go for any brands, you will definitely not have any problem actually. Okay, okay. ठीक है स्टीव. जब तक भैया कटिंग वगैरह करते हैं एक एक ग्लास और भी अपन देखते रहे हैं. थैंक यू आपके इन्फॉर्मेशन के लिए. मैं आपको और बताते रहता हूँ कि भैया कैसा काम कर रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं इसके बारे में. ये भी जो छोटा मिरर होता है साइड में उसकी कटिंग ले रहे हैं भैया. भैया का हाथ बहुत ही फाइन है एज भैया ने बताया कि 15 साल का एक्सपीरियंस है. सो बहुत ही परफेक्टली भैया इसकी कटिंग कर रहे हैं. ऐसे अभी कटिंग जो होगी सारे मिरर्स की होगी, सारे साइड विंडोज़ फ्रंट शील्ड सभी की होगी. और एक बार कटिंग हो जाएगी जब भैया लगाना शुरू करेंगे मैं आपको बताता हूँ. फिर भैया अभी परफेक्शन की कटिंग करने के लिए ताकि कहीं गैप ना रहे उसको कूल कर रहे हैं और सॉरी इसको हीट अप कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली द साइज की कटिंग हो जाए इस पर. तो बेसिकली ये बबल्स हैं जो भैया बबल्स को मेल्ट करके उसको प्रॉपरली कटिंग करेंगे. जैसे आपको दिख रहा है आई ये बबल्स इनको निकाल रहे हैं भैया हिट करके. ये बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं भैया. एक्चुअली ये लाइन क्लियरली दिखाई नहीं दे रही थी तो एक और भैया अंदर बूट में बैठे हैं और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए उस लाइन का डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि अहमद भैया को क्लियरली लाइन दिखे और कटिंग प्रॉपरली हो. सो दिस शोज की कितना प्रोफेशनली काम हो रहा है यहाँ पे और अहमद भैया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ों इस काम के बारे में. और ये रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपना खुद का काम करते हैं और एकदम परफेक्शन के साथ में लाइनिंग के ऊपर भैया कट कर रहे हैं. इसकी कटिंग हो गई है बैक ग्लास की और भैया इसको रोल कर रहे हैं. फिर रोल करके इसको रख देंगे एक साथ ही सारी स्टिकरिंग होगा. फिर अहमद भैया मैं देख रहा हूँ कि साई जो है ना वहाँ पे टेप लगा रहे हैं. ये जो टेप है आपके हाथ में इसको मस्किंग टेप इसलिए करते हैं इसके अंदर ये देखिए ये थोड़ा ब्रश टाइप रहता है छोटा छोटा दाना रहता है इस पर. ओके जब हम फिल्म में पानी डालते हैं तो उसी टाइम क्या वो छोटा छोटा दाना आ जाता है फिल्म के अंदर. अच्छा तो वो डस्ट जैसा है तो वो नहीं आना बोल के हम लोग ये मास्किंग करते हैं इसके ऊपर. अच्छा भैया जैसे अपन देख रहे हैं कि भैया डिटेलिंग एक एक चीज़ की डिटेलिंग को बहुत ही ज़्यादा गौर से काम कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी जैसे जिस तरह से काम हो रहा है फिलहाल तो क्योंकि भैया बहुत ही प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं. मैंने वीडियोस देखे हैं लेकिन ऐसे स्टिकरिंग करते हुए मैंने कभी की सन फिल्म लगाते हुए नहीं देखा है. अभी बैक का ग्लास का फिल्म लगेगा. भैया पहले अच्छे से क्लीन कर रहे हैं इसको.
भैया मेक श्योर कर रहे हैं कि कुछ डस्ट ना हो, कुछ केमिकल ना हो, ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्लीनिंग करने के बाद में उसको प्रॉपरली वाइप कर रहे हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर रहे, और ये रेडी हो रहा है भैया लगाने के लिए। कटिंग की हुई शीट को धीरे धीरे नीचे करते हैं और शैम्पू वाटर को स्प्रे करते हैं। ग्लास पे भी भैया आप थोड़ा शैम्पू वाटर मार रहे हैं और अभी इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पीछे गाड़ी का काम चल रहा है। सो एक और बात, यहाँ पे जस्ट ऑटोमोटिव्स में आप बहुत ही डिटेलिंग का काम किया जाता है, पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग, डीप क्लीनिंग कार का भी काम किया जाता है। सो ये लग गया है और भैया उसको प्रॉपरली स्टिकरिंग कर रहे हैं अभी। ओके, एज पर द कटिंग पूरा सेट कर दिया भैया ने। अब उसमें से सोप वाटर को निकालेंगे ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। देयर यू गो। अब ये शीट लगाने के बाद पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें शीट लगी हुई है, और ये ऑल सेट डन परफेक्ट। यहाँ पे भैया साइड मिरर का लगा रहे हैं अभी। अभी भैया फ्रंट साइड मिरर पे लगा रहे हैं। एकदम प्रॉपरली फिटिंग देख रहे हैं एज पर द कटिंग और एज पर द ग्लास के साइज के हिसाब से भैया प्रॉपरली सेट कर रहे हैं इसको। और अभी वाटर स्क्वीज कर देंगे भैया। ये शीट तो अपने निकाल दी थी, आप इस शीट को वापस क्यों लगा रहे हो? वापस इसलिए लगा रहे क्योंकि इसके ऊपर हम स्क्वीजी जो है यूज करेंगे तो क्या स्क्रैच आ जाता है। अच्छा, तो स्क्रैच नहीं है ना, बोल के इसको लगाते हैं। अच्छा, स्क्रैच करके वापस क्विजी करोगे आप? ओके, अगर क्विजी जो फिल्म के ऊपर यूज किए तो हाँ, फिल्म स्क्रैच हो जाता है, फिल्म स्क्रैच होगा। तो उसको प्रोटेक्ट के लिए डालते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लाइनर है। ओके, ये लाइनर डालते हैं। सो व्यूअर्स देखिए, भैया के पास में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इसको कैसे किस तरीके से करते हैं। दिस शोज कि कितना सही काम हो रहा है गाड़ी का। सो भैया आप कुछ बता रहे थे अभी इसके ऊपर क्या है, हम ये यूज करते हैं। हाँ भैया, लाइनर पे देखिए बहुत सारा स्क्रैच आ जाता है, लाइन लाइन। राइट राइट, हाँ। तो ये फिल्म के ऊपर नहीं आना, बोलिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, ओके, ये देखिए डायरेक्ट हम फिल्म के ऊपर नहीं यूज कर सकते इसको। सो जो पुल ओवर शीट होती है उसके ऊपर यूज करते हैं। वो शीट के ऊपर यूज करते हैं क्योंकि वो शीट में स्क्रैच आ जाए, फिल्म में ना। अच्छा, सो अभी ये सब करने के बाद में अभी फ्रंट मिरर का भी काम टाइम आएगा। और आप जैसे देख सकते हैं ऊपर फास्ट टैग का स्टिकर मैंने निकाल दिया है। बेसिकली भैया से जब मैंने बात की, भैया ने बताया कि फास्ट टैग का जो स्टिकर होता है, इट्स गुड टू हैव, कि यहाँ पे जो स्पेस है इतनी स्पेस फ्रेम के लिए छोड़ देंगे, सो दैट जब फास्ट टैग का एक्सेस होगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और बैक साइड का ग्लास की फिल्म लग चुकी है, और लगने के बाद में बिल्कुल भी कहीं ऐसा एहसास नहीं होता है कि कुछ फिल्म है डेफिनेटली। और ये दिस इज़ हाउ द सन प्रोटेक्शन यूवी फ्रेम लुक्स लाइक। और मैं आपको और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा बाद में, जब प्रॉपरली जब गाड़ी चलाऊँगा और
कितना एक्चुअल में, जैसे मेंशन किया है, और एक्चुअल में कितना प्रोटेक्शन होता है, कितनी यूवी सन रेस से एसी कूलिंग का बेनिफिट होता है, वो सब की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इससे रिलेटेड, कितना कॉस्ट पड़ा है, मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू वांट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये प्लेस जहाँ पर है, यहाँ पे काम हो रहा है, उसकी भी डिटेल्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप आ सकें, और यहाँ पे स्टीव से बात करके यू कैन गिव माई रेफरेंस एज जीत, और जितना भी हो सकता है बेस्ट डिस्काउंट स्टीव आपको दे देंगे। थैंक यू।